नमस्कार आदाब, इंडिया नज़र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारत विकास परिषद व सिटी कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उषा बंसल के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम चिकित्सा का आयोजन रोशन लाल की धर्मशाला में हुआ, जिसमें दिल्ली के शांति मुकुंड कैंसर अस्पताल दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टर विशाल बंसल द्वारा 60 मरीजों की जांच करी। वह डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने 110 मरीजों की फ्री जांच की। आज भारत विकास परिषद और सिटी कॉन्वेंट स्कूल की ओर से हमने एक यहाँ पर स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है। इसमें जो है कैंसर के सर्जन है और एक गायनी है जो अपनी समस्याओं का स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो सब स्त्रियों की समस्याओं का स्त्री रोग विशेषज्ञ सोनल अग्रवाल जो सभी समस्याओं का समाधान करेंगे स्त्रियों का। और कैंप काफ़ी समय से ऐड वगैरह करके लगाया गया है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगरवासियों को इसके लिए लाभ मिल सके। और इसके बाद में जो टेस्टिंग्स और जांच लिखी जा रही है, उसके बाद फिर एक दिन लगाया जाएगा और उसमें उन सब की जाँच और वो सब देखी जाएगी और उन्हें दवाई लिखी जाएगी। समाज में इतना सब, एक तो कैंसर का सर्जन जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके लिए भी हमने ये नशा मुक्ति का, एक्चुअली में मेरा अपना पैशन है कि मैं नशा मुक्ति पे कुछ काम करूँ, क्योंकि आजकल नशे ने पूरे समाज को ख़राब कर रखा है। इतना तंबाकू, इतना सब चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी वजह से हमारे लंग्स कैंसर, हमारे मुँह में होने वाले कैंसर, इस तरह के बहुत सारे कैंसर डेवलप हो गए। तो ये तो मेरा अपना खुद का शौक है कि मैं नशा मुक्ति पे काम करूँ। इसी के लिए मैंने इन डॉक्टर्स को यहाँ पर लाए और लोगों को प्रेरणा मिले और अपनी छोटी मोटी समस्याओं को दिखाएं, जिससे कि आगे जा करके वो इनका इलाज कर सकें और अर्ली समय से पहले पता चल जाएगा तो ये कैंसर ठीक भी हो जाएगा। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और साथ में जो बांझपन होता है या जिनको बच्चा होने की प्रॉब्लम होती है उसका इलाज करती हूँ। साथ में लैप्रोस्कोपी का भी इलाज करती हूँ, किसी का ट्यूब टेस्ट होना हो या किसी का लैप्रोस्कोपी के द्वारा कोई ऑपरेशन होना हो वो मैं करती हूँ। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म करी है और फिर मैंने सोचा कि अपने एरिया में आके सबसे पहले लोगों को बताऊं कि क्या है, क्या बीमारियां हैं स्त्रियों को और मैं क्या क्या इलाज कर सकती हूं। तो उस वजह से मैंने आज अपने भारत विकास परिषद और सिटी कॉन्वेंट स्कूल की मदद से एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि लोगों को देख के उनका सबसे पहले तो यही जाना जा सके कि इस शहर में, इस एरिया में कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। था कि हमारे समाज में जो कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, हम कैंसर के मरीज को अर्ली स्टेज पे कैसे पकड़ सकते हैं और उनका कैसे हम इलाज कर सकते हैं, तो यही मेरा एक आज उद्देश्य है कैंप करने का। तो इसके लक्षण पाए जाते हैं या? बिल्कुल लक्षण होते हैं, जैसे हर बीमारी के लक्षण होते हैं ऐसे कैंसर के भी लक्षण होते हैं। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनमें मुँह में कोई छाला होना, तम्बाकू खाते हैं या गुटखे का सेवन करते हैं तो मुँह पूरा नहीं खुलना, जीभ में कोई छाला होना, छाले में कभी खून आना, वो छाला जो भर नहीं रहा है इलाज के बाद भी नहीं भर रहा है, आवाज़ में बदलाव होना, बलगम में कभी खून आना, लंबे समय तक खांसी होना, स्तन में कोई गांठ होना या मासिक के रास्ते या मलमूत्र के रास्ते खून आना, भूख नहीं लगना, बार बार उल्टी आना, खाने का अटकना, ये सब जो है कैंसर के लक्षण होते हैं।